जैसा कि आप लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, पर हम यहाँ पर चाह रहे थे कि इसमें फॉर और अगेंस्ट आप लोग इस पॉलिसी के बारे में बोले। जैसा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट कर दी, पर हर पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की जाती है उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं, जो कि वक्त आने पर धीरे धीरे उनमें सुधार किया जाता है। तो आप लोगों ने जो भी अपने पॉइंट रखे थे, जैसे रोट लर्निंग और इवोल्यूशन सिस्टम, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट्स, बेटर ट्रेनिंग ऑफ एजुकेटर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज एजुकेशन, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए है, और आपका प्रोफेशनल भी इसमें इम्प्लीमेंट हो गया है। जो आप जो बच्चों को जो अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो लगता था कि अभी आगे हम एक साल, उनको कन्फ्यूजन रहता था, एक साल मैंने इसमें इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर ली, एक साल फिर मैंने किसी और मेडिकल में पढ़ाई कर ली, अभी मेरा तो एक साल जाया चले गया, बर्बाद चले गया। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए भी पॉलिसी निकाल दी कि ठीक है, अगर आप एक साल भी इसमें पढ़ाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दो साल करते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा, ताकि जो आपकी वो एक साल की पढ़ाई है वो बेकार न जाए। नीचे भी एजुकेटर अपने जो भी एजुकेशन देने वाले हैं उनके नई उनकी ट्रेनिंग है करवाई जा रही है, ताकि उनको बेटर जो आपको एजुकेशन दिया जा सके टाइम टू टाइम, हर चीज का नया नया शेड्यूल बनाया जा रहा है। तो जो भी आपने अपने विचार रखे ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, फिर भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों को डिबेट के लिए तैयारी की जाती है तो आप उस हिसाब से तैयारी करें कि आप फॉर और अगेंस्ट में तैयारी करें, और कोशिश करें कि जो भी आपको टाइम दिया जाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके व्यू फोकस ऑन द सब्जेक्ट ओनली। फिर भी आपने बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छा आप लोग प्रिपेयर होके आए थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम अगर, जैसा कि हमको सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि इसमें पूरे बच्चे अपने व्यू रखने के लिए तैयार है, पर टाइम की कमी और आपका भी जो बाकी सिलेबस भी निर्भर करने होते हैं, कवर करने होते हैं, उसके लिए मैंने बोला सर सिक्स स्टूडेंट्स इज सफिशियंट फॉर दिस डिबेट। तो आप लोगों ने बहुत अपने अच्छे विचार रखे, मैं सबके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब का, प्रिंसिपल साहब का और पूरे टीचर स्टाफ का धन्यवाद देता हूँ, और पार्टिसिपेंट और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबका थैंक्स करता हूँ। और जल्दी हमको जब भी कोई दोबारा प्रोग्राम करने के लिए हमको टास्क मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी स्कूल को चूज करेंगे और आपके साथ ही हम प्रोग्राम करेंगे, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग उसमें और भी बेटर तरीके से तैयारी करके आएंगे। थैंक यू।